नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24 और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं कामिनी शर्मा। साक्षी बाजार स्थित मंगला हाट में करीब 3 महीने के नियमों का उल्लंघन करने के बाद वापस लौटे विक्रेता, कोरोना गाइडलाइंस की उड़ाई धज्जियां। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू आज अपने गृह नगर उड़ीसा से रायरंगपुर के लिए रांची एयरपोर्ट से हुई रवाना। इस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने उन्हें विदाई दी। साथ ही सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर उन्हें उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मनरेगा के तहत दीदी बगिया योजना की हुई शुरुआत। आम, अमरूद व शीशम से लेकर सागवान तक के पौधे किए जाएंगे तैयार। मॉर्निंग वॉक करने वालों ने प्रशासन से जुबली पार्क को दोबारा खोलने की मांग की। झारखंड के 11 गैर अनुसूचित जिलों में होने वाली शिक्षक नियुक्ति के अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी के खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए शिक्षकों की नियुक्ति की कही बात। जोमैटो डिलीवरी बॉय की पिटाई के बाद अब दुमका में बुजुर्ग के साथ निर्दयता पर बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करते हुए कहा कि क्या झारखंड पुलिस केवल आम आदमी के ऊपर लाठियां बरसाकर ही अपनी बहादुरी दिखाना चाहती है? यही स्थिति रही तो रक्षक और भक्षक में भेद करना मुश्किल हो जाएगा। झारखंड की स्वर्ण परी कोमोलिका का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है। हालांकि हैकर्स ने अकाउंट में कोई इस तरह की सामग्री नहीं डाली है जिससे कोमोलिका को आहत होना पड़े। केवल अपलोडेड फोटो के साथ छेड़छाड़ की गई है और उसे हटा दिया गया है। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने देवगढ़ स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर का पट शीघ्र खोले जाने की मांग की है। बता दें कि मंदिर बंद रहने से देवघर के पंडा समाज के साथ ही वहां की अर्थव्यवस्था भी काफी प्रभावित हो रही है। टाटा स्टील वर्ष 2030 तक 40 मिलियन टन स्टील का करेगी उत्पादन। इन्वेस्टर्स डे 2021 के माध्यम से किया अपने बिजनेस प्लान लुकिंग फॉरवर्ड को उजागर। खराब स्वास्थ्य के कारण तृणमूल के वरिष्ठ नेता अमित मित्रा बंगाल के वित्त मंत्री पद से दे सकते हैं इस्तीफा। ममता सरकार को लगेगा बड़ा झटका। कोविड प्रतिबंधों के बीच कोलकाता के 5-स्टार होटल में चल रही थी रेव पार्टी। पुलिस ने छापेमारी कर 37 लोगों को किया गिरफ्तार। सहकारिता मंत्री बनने के बाद पहली बार अमित शाह गुजरात पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 267 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन करने के साथ ही अपने जीवन काल में 3 तरह के नेता को देखने की बात कही। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर लोकसभा के कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र पर टिप्पणी करते हुए कहा कि फ्यूल की कीमतों में 69 गुना बढ़ोतरी से केंद्र ने लगभग 5 लाख करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार भारत सरकार ने कंधार में अपना दूतावास बंद नहीं किया है। हालांकि सुरक्षा कारणों से स्टाफ कम कर दिया गया है। दूतावास में आपातकालीन सेवाएं खुली रहेंगी। दूतावास को बंद करने की खबरें गलत है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की कू ऐप पर पहली पोस्ट। कहा यूजर्स के लिए सोशल मीडिया को सुरक्षित बनाएंगे नए नियम। अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्रालय के कर्मचारियों को शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने का आदेश किया जारी। मोदी सरकार की नई कैबिनेट में 78 मंत्रियों को जगह मिली है जिनमें से 37 मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले होने की बात स्वीकार की है। इनमें से 24 मंत्रियों यानी 31% पर गंभीर मामले भी दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के आसपास 300 मीटर के क्षेत्र में अब बहुमंजिला इमारतें नहीं बनाई जा सकेंगी। इसके लिए अयोध्या विकास प्रपोजल भी तैयार कर लिया गया है, बस मुहर लगने का है इंतजार। कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि यदि कांग्रेस किसी और को छत्तीसगढ़ का सीएम बनाना चाहती है तो भूपेश बघेल यूपी में काम करेंगे। हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने रविवार सुबह पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर रोड के नाम की पट्टी पर काली खोद दी। उनका कहना है कि दिल्ली में अब किसी भी सड़क का नाम विदेशी आतंककर्ताओं के नाम पर होना स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिले के कई हिस्सों में रविवार को कम दबाव के कारण अच्छी बारिश हुई। शहर में 15 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। पिछले एक दशक में हृदय संबंधी रोग की दवा भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा के रूप में उभरी है, जबकि डायबिटीज की दवाई इस अवधि के दौरान भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली 5 उपचारों में शामिल हो गई है। अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में जेल में बंद उमर खालिद की रिहाई की मांग, तो बॉलीवुड अभिनेता गजेंद्र चौहान ने गिरफ्तारी को सही बताते हुए उन्हें कहा गद्दार।
अनुपम खेर ने दिलीप कुमार के साथ अपनी यादों को साझा करते हुए बताया कि 1986 की फिल्म कर्मा में साथ काम करते वक्त एक सीन में दिलीप जी ने उनसे कहा था कि यदि मैं सच में तुम्हें थप्पड़ मारूंगा तो तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। टोक्यो ओलंपिक 2021 में जीत हासिल करने के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बनी रानी रामपाल, डिफेंडर और उप कप्तान की भी हुई घोषणा। और अब चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं एक वायरल वीडियो के साथ। Na 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 na